Good morning, children. In our today's class of maths, we are going to learn ascending order. Okay, ma'am has already written exercise number 1, ascending order, and here are the question of ascending order. Before starting our topic ascending, we had previously learned about the ascending order with the 2 digits. Now we are having with the 3 digits, and we have to keep in our mind that smaller and greater number. वो कंसेप्ट थोड़ा माइंड में हम रखेंगे, उससे अकॉर्डिंग हम असेंडिंग ऑर्डर करेंगे तो वो इजी होगा. बट बिफोर स्टार्टिंग आवर टॉपिक, कैन एवरीवन टेल मी व्हाट डज असेंडिंग ऑर्डर मींस? मैंने आपको बताया था असेंडिंग ऑर्डर मींस छोटे से बड़ा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना, छोटे से बड़ा. जैसे 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, सिंपल काउंटिंग जैसे हम करते हैं वो. Ascending order means increasing order, छोटे से बड़ा. So shall we start with our today's topic? Here is the question. 264, 290, 257, 200. Now we have to arrange all this in an ascending order. How we will do? First we will take 2, 2, 2 and 2. मैंने जैसे smaller और bigger में सिखाया था उसी वे से हम पहले फर्स्ट डिजिट को देखेंगे. तो फर्स्ट डिजिट अगर हम देख रहे हैं तो इधर 2, 2, 2 और 2 सेम आ रहा है, तो कौन सा हम पहले लिखेंगे? मैम ने पहले क्या बोला है, छोटा लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करना है ना. ठीक है, तो इधर तो सारे नंबर सेम है फर्स्ट डिजिट वाले. अभी हम सेकेंड डिजिट देखें, 6950. क्या मैंने बोला? 6950. तो सबसे पहले छोटा क्या होगा? 0. तो हम पहले कौन सा लेंगे? 200. ठीक है, अभी 200 हमने ले लिया, कंस्टेंट क्रिएट ना हो इसके लिए हम उसको कर देंगे क्रॉस, मीन्स अभी इस नंबर को हमको देखना नहीं है, अभी इन 3 नंबर्स में से हमको देखना है. तो सेकेंड डिजिट इसका क्या है? 6, इसका है 9, इसका है 5. तो 6, 9 और 5 में से छोटा क्या आता है? 5. तो कौन सा आएगा? 257. है ना इजी? हमने स्मॉलर और ग्रेटर किया इसके लिए हमको माइंड में सेट हो गया कि किस तरीके से करना है. और असेंडिंग ऑर्डर मींस छोटे से बड़ा, पहले छोटा आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा. ठीक है, बीस को भी हम क्रॉस कर देंगे. नाउ 6 और 9 में से क्या छोटा है? यस 6. तो हम ये वाला नंबर लेंगे और इसको क्रॉस कर देंगे, 264. नाउ रिमेनिंग विल बी द लास्ट नंबर 290. इजी लगा? क्लियर हुआ? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, 399, 441, 135, 278. नाउ अगर हम फर्स्ट डिजिट ही लेते हैं उससे ही हमको आंसर क्लियर हो जाएगा. 3, 4, 1, 2, विच वन विल बी द स्मॉलर? यस दिस वन, 135. क्रॉस कर दिया. क्यों क्रॉस किया मैम ने? ताकि हमको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो. हमने ये नंबर ले लिया, इसको नहीं देखना है अभी, हमको इसको, इसको और इसको देखना है. नाउ 3, 4 और 2 कौन सा छोटा है? 2. इट मीन्स 278 विल कम. ठीक है, नाउ 3 और 4 में से स्मॉलर है, मैं छोटा बोल रही हूँ क्योंकि छोटे से बड़ा करना है, तो बड़ा लास्ट में आएगा, पहले छोटे छोटे आ जाएंगे. 3 और 4 में से क्या छोटा है? 3 छोटा है, तो हम इधर क्या नोट करेंगे? 399 क्रॉस. रिमेनिंग विल बी अवर लास्ट नंबर 441. इजंट इट? है ना क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 167, 462, 500, 329. पहले तो हमको अच्छे से बोलने आना चाहिए, हाउ टू स्पेल, हाउ टू से 167, 462, 500, 329. अगेन सबका फर्स्ट नंबर ले लें, 1, 4, 5, 3.
Which one will come? Which one? Yes, this one will come. 167. Then 453. कौन सा आएगा? 453 में से 3 छोटा है तो 329. क्रॉस कर दिया आपने. Then 462 and 500. अब 4 छोटा है कि 5 छोटा है? 4 छोटा है. Yes. तो 462. लास्ट में क्या बचा? वो हम लिख देंगे 500. नेक्स्ट 290 361 316 209. नाउ फर्स्ट डिजिट 2 by 2 है, 2 by 3 है, बट 3 बड़ा है कि 2 बड़ा है? 3 बड़ा है. हमको कौन सा लेना है? छोटा, यानी 2 छोटा है हमको, इसको और इसको देखना है. बट दोनों 2 छोटे हैं तो हम दोनों नंबर एक साथ देख सकते हैं क्या? नहीं. हम क्या करेंगे? सेकंड डिजिट को लेंगे. वी विल टेक सेकंड डिजिट. 9 और 0 में से क्या छोटा है? 0. सो वी विल पुट 209 और इसको कर देंगे क्रॉस. देन 219, 361 एंड 316. तो 233, तो 2 छोटा है, 290 लिख देंगे और इसको कर देंगे क्रॉस. देन 361 316. 3 सेम, 6 और 1 में से कौन सा छोटा है? 1. तो वी विल राइट 316. एट लास्ट 361 विल कम. है ना क्लियर? देन लास्ट नंबर, लास्ट क्वेश्चन 325 346. Now 3 3 3 3 same. क्या करेंगे आप? Yes. Second number 2 5 6 4. कौन सा छोटा है? 2. So it means 325. Then 5 6 4. कौन सा छोटा है? 4. तो क्या आएगा? 346. फिर क्या छोटा है? 5 6 5. तो हम क्या लिखेंगे? 352. एट लास्ट 364 विल कम. है ना इजी? व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड, असेंडिंग ऑर्डर मींस छोटे से बड़ा. पहले छोटा आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा. एंड हमको क्या माइंड में सेट करना है? फर्स्ट डिजिट लेना है. फर्स्ट डिजिट अगर सेम है तो हमको सेकेंड डिजिट को लेना है. सेकेंड भी अगर सेम है तो हम थर्ड डिजिट देख लेंगे. बट पहले छोटा नंबर आगे आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा लिखेंगे. और जो नंबर पुट करते हो उसको क्रॉस कर दो ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कि उसमें से आप कंपेयर करना स्टार्ट नहीं करो. उसको छोड़ के हमको रेस्ट अदर के साथ कंपेयर करके आंसर लिखना है. सो व्हाट वी डिड, वी डिड एक्सरसाइज नंबर 1 ऑफ असेंडिंग ऑर्डर. एक्सरसाइज 2 विल बी योर होमवर्क. आई विल सेंड यू द पीडीएफ दैट यू हैव टू डू बाय योर ओन. And one more activity we'll do with ascending order. Pay attention. We are going to do activity related to our today's topic, ascending order. But आप क्लास वर्क में नहीं करना है. ये सिर्फ एक मैम आपको बता रहे हैं कि हम असेंडिंग ऑर्डर से भी कुछ बना सकते हैं. Here is some example. ये मैंने खुद ही किया है. Pay attention. यहाँ पे नंबर्स सामने लेबल कर रखे हैं. 1 2 3 and मैंने आप नंबर लिखा. नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस नंबर और ऑर्डर कौन सा है हमारा? असेंडिंग ऑर्डर. तो हमारा जो ऑर्डर है हम उसको फॉलो करके ड्रॉ कर रहे हैं. कौन सा बनेगा इधर पिक्चर? शैल वी स्टार्ट? हम असेंडिंग ऑर्डर है तो हम कैसे करेंगे? छोटे से बड़ा. छोटे से बड़े में हम क्या करेंगे? 1 से हम क्या लेंगे? 2. 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. हमने क्या किया? नंबर्स के
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. अगर मैं इधर ऐसे कर दे तो क्या हो गया ये? स्माइल. सो एवरीवन शुड स्माइल, है ना? ये देखकर तो हर किसी के फेस में स्माइल आ गया होगा. ये मैम ने आपको एक वे बताया असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़ा इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक्टिविटी करके. आपको ये क्लास ऑफ में नहीं करना है, क्लास ऑफ में आपको एक्सरसाइज नंबर 1 एंड एक्सरसाइज नंबर 2 दैट विल बी योर होमवर्क, वो मैं आपको पीडीएफ में भेजेंगे. थैंक यू.